हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक होने वाला है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ठीक है, आज इसकी ये दूसरी क्लास है। इसकी हमने पहली क्लास पढ़ी है जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में, और क्वेश्चन के द्वारा हम उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस प्रकार से जो है हम पेपर फोल्डिंग और कटिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास का पहला देखिए क्वेश्चन है कि चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेम्बल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। तो अब देखिए, जिन लोगों ने पहली क्लास पढ़ी है उनको पता है कि हमें इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। जो लोग पहली बार क्लास में जुड़े हैं उनके लिए जरा एक बार बता दें कि आपको कैसे इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको कुछ डॉट दिखाई दे रहे हैं, कुछ एरो दिखाई दे रहे हैं शुरुआत में एक्स वाई जेड में, और फिर आपको ए बी सी डी में कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अब यहां पर जो आपको एक्स वाई जेड में दिखाई दे रहा है इसको किस प्रकार से आपके उस पेपर को फोल्ड किया गया है ये वहां पर बताया गया है। ठीक है ना, सबसे पहले एक्स में देखो बताया गया कि आपके पास ये एक पेपर है। इस पेपर को जहां से एरो लगा है, एरो आपका ये बताता है कि किस प्रकार से फोल्ड किया गया, और डॉट भी आपका बताता है कि इस पेपर को यहां से फोल्ड कर दिया गया। तो सबसे पहले इसको एक ट्रेंगल के उसमें फोल्ड कर दिया गया, तो ये लाइन तो यहीं पर आएगी, ये कोना इधर आएगा। तो जब ये ऐसे फोल्ड होगा तो ये यहां जाएगा और ये यहां आएगी। तो बहुत ध्यान से और बहुत जो है हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको आंसर देना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना, इस बात को पहले समझ लीजिए। अब यहां पर जैसे आपने कहा कि इसमें जो एक्स में दिया गया है सबसे पहले इसको इस प्रकार से फोल्ड किया गया, फिर वाई में यहां से इसको फिर से फोल्ड कर दिया गया, और फिर इस प्रकार से जेड में आपको बताया गया कि जो ये आपका फोल्डेड एक पेपर है उसको यहां पर कट कर दिया गया, एक सर्कल की एक सर्कल यहां पर क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। आपको बताना है कि जब इसको जेड को हम पूरा ओपन कर देंगे तो यहां पर इन चारों में से किस प्रकार से आपको आकृति वहां पर दिखाई पड़ेगी। तो सबसे पहली बात, जितनी बार पेपर को फोल्ड किया जाएगा उतनी बार ही पेपर को ओपन किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे अगर हमने पेपर को कितनी बार फोल्ड किया, हमने पेपर को दो बार फोल्ड किया, एक बार और यहां देखो दो बार। तो जब दो बार पेपर फोल्ड है तो दो बार आपका पेपर ओपन भी होगा। ठीक है ना, जब दो बार ओपन होगा तो यहां पर देखिए, जब दो बार इसको ओपन किया जाएगा तो पहली बार जब आपने इसको ओपन किया, जब आपने पहली बार इस पेपर को ओपन किया तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। जब पहली बार इसको ओपन करेंगे आप तो ये कुछ आपको डायग्राम ऐसा दिखाई देगा, इस प्रकार से कुछ। जब हाँ, एक देखो, एक सर्कल यहां पे और एक सर्कल आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से आपको जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब जब आप इसको पूरा का पूरा ओपन कर देंगे और जब ये पेपर आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, आपने इस प्रकार से पूरा ओपन कर दिया, अब मुझे बताइए कौन सा डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे सकता है आपको। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो ये वाला सर्कल है ये इसके साथ में ऐसे जाएगा और इसके साथ में इधर वाला ऐसे जाएगा, तो इस प्रकार से डायग्राम हमको यहां पर दिखेगा जो कि आपका ए में दिया गया है। किस में दिया गया है, ए में। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पे जब आप इसको फोल्ड करके कट करके जब लास्ट में पूरा का पूरा ओपन करेंगे तो यहां पर आपको कुछ इस प्रकार से जो है ये पेपर, ये आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। तो समझ में आया कैसे हमें करना है कि सबसे पहले आपको ये जो यहां पे बताया गया है डॉट और एरो, यही बताया गया है कि किस प्रकार से पेपर को फोल्ड किया गया है। लास्ट में जो है ये लास्ट स्टेज हो गई, फोल्ड करने के बाद ये जो यहां पे सर्कल बना है इसको कट कर दिया गया, और आपको फिर बताना होता है कि इन चारों में से कौन सा आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगर चीजें आपको समझ में आ गई हैं, जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग भी सभी लोग आंसर दें।
ठीक है ना। जो लोग पहली क्लास पढ़ चुके हैं उनको पता है हमें कैसे करना है। तो अगर अभी तक आपने भी पहली क्लास नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि नॉन वर्बल रीजनिंग में जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं हमारा एक ही आपका वहां पे उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस कर सकें, ताकि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो दिमाग में हमारे एकदम बैठ जाए। जब उससे रिलेटेड कभी भी हम क्वेश्चन कर रहे हों, एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, एक भी नंबर हमारा कट नहीं होना चाहिए जब एग्जाम में हो, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत आसान है, ठीक है ना। लेकिन आसान तभी है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आएगा कि चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपको यक्स वाई और जेड में बताया गया किस प्रकार से आपके पेपर को फोल्ड किया गया। भाई यक्स और वाई बताया गया किस प्रकार से फोल्ड किया गया, लास्ट में जब जेड आया तो जेड में यहां पे इसको कट कर दिया गया। अब आपको बताना है कि ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा। तो जल्दी से आंसर करिए भाई कि इनमें से कौन सा आपका सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है कि आपका डी सही है, ठीक है। तो यहां पे जैसे अगर हम देखें तो जब आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है ना, जब आप इसको ओपन करेंगे तो फिर से ये यही आकृति दिखाई पड़ेगी। तो जब ये इस प्रकार से आप इसके आधे पार्ट को ओपन कर देंगे तो यहां पे जरा देखिए, समझिए चीजों को, यहां पे जब आपको ये डायग्राम दिखाई पड़ेगा तो जरा सोचिए दिमाग में कि जो ये आपका सर्कल, अंदर जो सर्कल हमने कट किया है वो सर्कल जो है, एक सर्कल तो आपको भाई ये सर्कल हमने यहां से इसको इस प्रकार से कर दिया तो एक सर्कल आपका यहां पे था, एक सर्कल और यहां पे हो गया, ठीक है ना, एक सर्कल आपका यहां पे था, ठीक है ना, एक सर्कल आपका यहां पे था, एक सर्कल यहां पे और हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। अब जब इसको आप फिर से ओपन करेंगे, जब इसको आप फिर से ओपन करेंगे और पूरा का पूरा ये आपको यहां पे आएगा ऐसे, ये पूरा का पूरा इस प्रकार से जब आपका पेपर आएगा तो आपको तुरंत समझ में आ गया कौन सी आकृति हमारी आने वाली है। यहां पे ये दोनों थे, यहां पे ये दोनों थे, ठीक है ना। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो यहां पे ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना, कुछ ऐसी आकृति आपकी बनेगी, ठीक है ना, कुछ ऐसा डायग्राम आपका बनेगा जो कि आपको जो है इस प्रकार से दिखाई देगा, जो कि आपको किसमें है, डी में दिया गया, किसमें दिया गया है, डी में दिया गया है। कुछ ऐसी आकृति दिखाई पड़ेगी, दो दो डायग्राम, दो दो आपके सर्कल आएंगे। तो देखो दो दो क्या ऐसे आएंगे, बिल्कुल नहीं, ये तो हो नहीं सकता। अगर आपको कभी ये लगता है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, आप नहीं कर पा रहे आंसर नहीं निकालो, थोड़ा बहुत तो लॉजिक आप लगा ही सकते हैं। जैसे आपने इतना लॉजिक तो लगा लिया कि जब हम यहां पे इसको ओपन करेंगे तो इस सर्कल के साथ में एक सर्कल यहां पे जाएगा और इस सर्कल के साथ में एक सर्कल, क्योंकि सबसे पहले देखो ये ओपन होगा, ये वाला पार्ट ओपन होगा, दोनों पहले ये पार्ट फिर ये पार्ट आप ओपन करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक साथ में क्या हुए हैं, फोल्ड हुए हैं। तो एक साथ जब आप ओपन करेंगे तो एक आपका जीरो इसके साथ में जाएगा सर्कल और एक सर्कल इसके साथ में जाएगा। अब यहां पर देखिए दो दो सर्कल वाली डायग्राम कौन से हैं, तो आपने कहा ये तो चलो ठीक है यहां पे आ रहा, लेकिन ये यहां पे नहीं, यहां पे भी तो होना चाहिए, इसलिए ए तो हो ही नहीं सकता, बी में यहां पे दो सर्कल है इसलिए बी नहीं होगा, सी में भी यहां पे दो सर्कल है सी भी नहीं होगा, आंसर एक ही बन सकता है डी। तो आप इस प्रकार से भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, आंसर आपका सही आना चाहिए। आप लॉजिक कॉन्सेप्ट सब कुछ आप सही लगाइए ताकि आपका आंसर एक भी गलत ना हो पाए। अगर आपको कभी नहीं समझ में आ रहा, नहीं कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहा, तो जो गलत है, जो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता, उसको आप देखिए कि यार ये तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, तो जो आंसर होगा अपने आप आपके सामने प्रकट हो जाएगा कि हाँ भैया मैं हूं आंसर, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको यहाँ पे अप्लाई करने होते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब आपको बताना है कि जब इस फिगर को पहले एक्स में देखो आपको फिगर दिया गया, फिर वाई में बताया गया कि एक्स में इस प्रकार से फोल्ड किया गया, ये डॉट डॉट देखो बना है, ये वाई का डायग्राम बन गया, वाई में यहां से फोल्ड किया गया
और फिर कुछ इस प्रकार से डायग्राम आपको यहां पर बन गया जेड में, और फिर यहां पे आपको दो सर्कल यहां पे कट कर दिए गए। और अब आपको बताना है कि यहां पर कौन सा आंसर आएगा, ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए। सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है भाई, तो सभी बच्चे आंसर दें भाई, ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही होगा। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, क्या यहाँ पर जब इसको हम ओपन करेंगे पूरा, तो किस प्रकार से हमें ये जो है यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो देखो, जैसे हमने इसको ओपन किया, जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा भाई, जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा वो सबसे पहले ओपन होगा, जो सबसे पहले फोल्ड होगा वो सबसे लास्ट में ओपन होगा। तो सबसे लास्ट में क्या फोल्ड हुआ है, ये वाला पार्ट जाके यहाँ पे मिल गया है, ठीक है ना। तो जब ये वाले पार्ट को हमने यहाँ पे मिला दिया, तो इस पार्ट को हम यहाँ पे ओपन भी तो करेंगे। तो आपने कहा बिल्कुल, अब ये पार्ट कुछ ऐसा आएगा, और जब हमने इसको ओपन कर दिया देखो, तो एक आपका ये तो सर्कल यहाँ पे था ही, एक सर्कल यहाँ पे देखो ये था, एक सर्कल इसके साथ में ये आ गया, और ये सर्कल यहाँ पे ये चला गया। मेरी बात ध्यान समझिएगा, देखिए मैं एक बार सर्कल आपको फिर से बता देता हूँ कैसे, ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखो, जब आपने इसको ओपन किया तो ये सर्कल तो यहीं पर रहेगा, ठीक है ना। इस सर्कल के साथ में एक सर्कल ऐसे आएगा, क्योंकि जैसे आप इसको ओपन करेंगे देखो, इसके साथ में एक सर्कल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो सर्कल है ये ऐसे जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, ये सर्कल यहाँ पे जाएगा। अब जब इसको आप पूरा का पूरा ओपन कर देंगे, देखो जब पूरा का पूरा आप इसको ओपन कर देंगे, तो जरा ध्यान से मेरी बात समझिए, जब पूरा का पूरा आप ओपन करेंगे तो जो ये सर्कल ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी, इस प्रकार से कुछ आपको दिखाई पड़ेगा ऐसा, फिर यहाँ पे जो है इस प्रकार से, और यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आकृति दिखाई पड़ेगी। कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि किसमें दिया गया है, जो कि आपका ए में दिया गया, किसमें दिया गया है, ए में दिया गया है। बी सी डी आपका सब गलत है, आंसर क्या जाएगा आपका, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है पेपर फोल्डिंग और कटिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो फिर वही बात आती है, बी सी डी तो हो ही नहीं सकता भाई, बी तो हो ही नहीं सकता, सी और डी में अगर हम रिस्क करें तो डी आपका, एक बार अगर सोचो तो यहाँ पे दो आपके सर्कल होना चाहिए, डी भी नहीं होगा ना सी होगा, पहला ही आपका सही है। जब पहला सही तो हमको बाकी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, लॉजिक को क्लियर रखिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या आएगा, चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेम्बल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड, एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे जो यक्ष, अब देखो यक्ष में पहले इस प्रकार से इसको फोल्ड किया गया, फिर यहाँ से देखो इसको यहाँ पे फोल्ड कर दिया गया, फिर यहाँ से इसको इस प्रकार से फोल्ड किया गया। अभी जो जेड में आपको जो है जब फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसको कट कर दिया गया, यहाँ पे जो है इस प्रकार से इसको कट कर दिया गया, आप मुझे बताएं कि इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, लेकिन ध्यान से आंसर दीजिए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना, बहुत ध्यान से बिल्कुल सही आंसर दीजिए। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी सभी लोग आंसर दें भाई, इन चारों में कौन सा आपका सही होगा। तो अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे जो आपका जो है इस फिगर को फोल्ड किया गया, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। तो अब एक चीज जरा मुझे बताओ, क्या पूरा का पूरा डायग्राम कहीं भी फोल्ड हुआ है, क्या पूरा पेपर कहीं भी फोल्ड हुआ, नहीं फोल्ड हुआ। यहां पे देखो केवल इतने एरिया को फोल्ड किया गया, केवल इस किनारे को फोल्ड किया गया, और वो भी किस पार्ट में, ट्रायंगल के फॉर्म में। तो आपने कहा कि जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये कुछ पहले तो हम ऐसे दिखाई पड़ेगा, यहां पे ये पार्ट कुछ हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा यहां से, और ये फिर ऐसे आएगा, और ये पार्ट यहां से इस प्रकार से, चूंकि फोल्डेड है तो ये पार्ट कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये पार्ट कुछ हमें एक बार जब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है ना। अभी एक बार मैं ओपन करने बता रहा हूं, जो
जो सबसे लास्ट में फोल्ड किया गया है, मैं पहले उसको ओपन करना बता रहा हूं। तो यहां पे देखो ये पार्ट तो अभी आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। और जब ये पार्ट आपको यहां पे ऐसे दिखाई पड़ा, लेकिन ये तो आपका ओपन हो गया, तो यहां पे जो ये वाला था ये तो ऐसे ही रहेगा, ये पार्ट तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जो ये वाला पार्ट था, ये पार्ट जो आपका आएगा, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ के साथ में यहाँ पर भी आएगा, यहाँ के साथ में यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। और जब आप इसको पूरा का पूरा ओपन कर देंगे, जब आप इसको पूरा का पूरा ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पर एक बनेगा और एक बनेगा यहाँ पे, एक बनेगा यहाँ पे आपका, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक बनेगा यहाँ पे, एक बनेगा यहाँ पे और एक बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। एक बनेगा, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ, चूँकि यहाँ पास में होगा ना, एक होगा यहाँ पे और एक होगा यहाँ पे। कुछ ऐसा डायग्राम आपका बनेगा, कुछ ऐसा डायग्राम आपको बन के दिखाई पड़ेगा, जो किस में दिया गया, देखिए बी में दिया, किस में दिया गया, बी, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या आएगा भाई। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। आपको बताना है कि जब यक्स से हमने, यक्स से पहले फोल्ड किया, देखो यहां से, वहां के बाद फिर जब हमने वाई में फोल्ड कर दिया, फिर जेड हमारा इस प्रकार से फोल्ड, वाई में फोल्ड करने के बाद इस प्रकार से कुछ हमारा डायग्राम बन गया, और फिर हम यानी यहाँ पे दो सर्कल कट कर दिए। अब आपको बताना है कि इनमें ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान से आंसर दीजिए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो बताइए जल्दी से कौन सा आंसर सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो सबसे पहले फोल्ड किस प्रकार से किया गया है उसको जरा समझ लेते हैं। इस पूरे पार्ट को फोल्ड कर दिया गया, यहां पर इस पूरे पार्ट को यहां पे फोल्ड कर दिया, तो ये हाफ बचा। इसके बावजूद फिर इस पूरे को नहीं फोल्ड किया गया, केवल यहां से इस किनारे को फोल्ड किया गया। तो सबसे पहले आप किनारे को ही तो ओपन करेंगे, सबसे पहले आप किनारे को जब ओपन करेंगे तो ये कुछ आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। जब आप फर्स्ट पार्ट को ओपन करेंगे तो ये कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, कहां बीचों बीच, देखो यहां पे ये था, यहां पे ये था, फिर यहां पे हो जाएगा, यहां पे ये था और फिर यहां पे हो जाएगा, ये बीचों बीच आ रहा है, ठीक है ना। ये कहीं भी इस किनारे नहीं, चूंकि ये किनारा तो खाली है, ठीक है ना, ये कहां आएगा, बीचों बीच। अब जब इसको आप फिर से ओपन करेंगे, जब पूरा का पूरा आप बनाएंगे इस प्रकार से, तो आप एक चीज जरा सोचिए कि जब इधर कितने हैं, 1 2 3 4, जब 4 सर्कल इधर, तो 4 उधर भी जाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा, अब ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से होगा ना भाई, जो ये पार्ट था, अब ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से ओपन होगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा पार्ट आप फिर से यहां से जब ओपन करेंगे इस प्रकार से, तो ये कुछ सर्कल ऐसा बनेगा, देखो यहां पे आपका 1 2, यहां पे 3 4 ऐसे था, ठीक है ना, 3 4, यहां पे भी आएगा 1 2 3 and 4, कुछ ऐसा सर्कल आपको बीचों बीच में दिखाई पड़ेगा, जो किस में दिया गया है, ए में दिया गया, किस में दिया गया है, ए में। तो ए आपका सही आंसर होगा। ये डायग्राम यहां पे, ये सर्कल यहां पे ऐसे आएगा, मतलब एक अंदर भी इनका एक सर्कल बनेगा ऐसे कुछ करके, जो आपका किस में दिया गया, जो ए में दिया गया है, तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या आएगा। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। आपको बताना है कि यहां पर जब यक्स, पहले देखो यक्स में फोल्ड किया गया, यहां से इसको फोल्ड किया गया, तो इस प्रकार से डॉट डॉट जहां लगा उससे इसको फोल्ड कर दिया गया, फिर वाई में यहां से इसको फोल्ड किया गया ट्रायंगल में, और फिर जेड में यहां पे दो ट्रायंगल इसके अंदर कट कर दिए गए। आप मुझे बताइए कि जब इसको मैं पूरा का पूरा ओपन करूंगा तो ए बी सी डी में कौन सा मुझे सही आंसर दिखाई पड़ेगा।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे आंसर बताइए भाई, इन चारों में कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, कि आपका डी सही होगा? कौन सा सही आंसर आएगा? सोचिए और आंसर दीजिए। आंसर गलत नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा, आंसर आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए भाई, इन चारों में ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? तो अगर आप यहां पर देखें, अगर आप यहां पर देखें तो सबसे लास्ट में केवल ये ट्रायंगल फोल्ड किया गया, सबसे लास्ट में केवल ये ट्रायंगल फोल्ड किया गया। क्या ये पूरा का पूरा पार्ट फोल्ड किया गया? नहीं। तो सबसे पहले हम लास्ट वाले को ओपन करके देखें, तो लास्ट वाले को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखाई पड़ेगा यहां पे, ठीक है ना? और यहां पे जो आपको ये ट्रायंगल है ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना? ये चारों ट्रायंगल यहां पे ऐसे आएंगे, देखो ये यहां पे आएगा, फिर इसके बाद यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, और फिर ये यहां पे आएगा। चारों ट्रायंगल कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे। अब जब इसको आप ओपन करेंगे तो अब एक चीज जरा सोचिए, एक चीज जरा सोचिए, कौन सा आंसर हो सकता है? क्या ए हो सकता है? ए तो नहीं हो सकता। बी में एक बार संशय है, सी और डी, डी जब आएगा तो ये चारों एक साथ आएंगे तो डी भी नहीं होगा। अब जरा बताओ बी और सी में कौन सा सही होगा? भाई जब ओपन करेंगे तो एक साथ ही तो ये चारों आएंगे। तो आपने कहा कि अब इसको अगर हम जो है स्क्वायर रेक्टेंगल के फॉर्म में अगर फोल्ड करते, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ नहीं फोल्ड हुआ, ये ट्रायंगल के फॉर्म में फोल्ड हुआ है, तो जब इसको आप ओपन करेंगे पूरा का पूरा तो ये कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। यहां पे पहले चारों ट्रायंगल ऐसे, वन, फिर आपका ये टू, फिर आपका ये थ्री, फिर आपका ये फोर, और ये चारों ट्रायंगल यहां पे दिखाई पड़ेंगे कुछ ऐसे, वन टू, फिर आपका ये थ्री, फिर आपका ये फोर, कुछ ऐसे ट्रायंगल यहां पे ही दिखाई पड़ेगी। ये आंसर आएगा जो कि किसमें दिया गया, जो कि आपके सी में दिया गया। किसमें दिया गया? सी में। तो बी गलत है, क्योंकि अगर आपका रेक्टेंगल के फॉर्म में अगर फोल्ड किया जाता तो आपका आंसर बी बनता, लेकिन रेक्टेंगल के फॉर्म में नहीं फोल्ड किया गया। किस फॉर्म में फोल्ड किया गया? ट्रायंगल के फॉर्म में। तो आंसर क्या बनेगा आपका? सी बनेगा, ठीक है ना? तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेम्बल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब यहां पर देखिए, आपको एक्स में एक फिगर दिया गया है, उसको आप कागज मान लीजिए, फिगर जो भी आपको मानना है। अब यहां पर देखिए, आपको जहां से डॉट डॉट लगा है यहां से इसको फोल्ड कर दिया गया, तो पहले पूरी की पूरी आकृति फोल्ड कर दी गई, चूंकि ये पूरा का पूरा, देखो यहां डॉट है, पूरा का पूरा इसके ऊपर आ गया, फिर यहां से इसको यहां पर देखो फोल्ड कर दिया गया, तो ये भी पूरा का पूरी आकृति यहां पे फोल्ड की गई है। अब आपको बताना है कि जब जेड को मैं पूरा का पूरा ओपन कर दूंगा तो यहां पे ए बी सी और डी में से कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, कि आपका डी सही होगा? तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए भाई, चारों में कौन सा सही है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, और बहुत आसानी से आप आंसर भी दे सकते हैं। तो मुझे बताइए भाई कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले जिसको लास्ट में देखो, जिसको सबसे लास्ट में फोल्ड किया गया है सबसे पहले उसी को ओपन किया जाएगा। तो आपने कहा सबसे लास्ट में इसको फोल्ड किया गया है, तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सबसे पहले हमको आकृति दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दोनों आकृतियाँ ऐसी हैं, ये दोनों आकृतियाँ ऐसी हैं, ये यहाँ पर है और इसका चेहरा इसकी तरफ है, और ये जो लास्ट वाली है इसका चेहरा इधर है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो जो ये लास्ट वाली, इसका चेहरा कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। इसका चेहरा कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा, ऐसे, ठीक है ना? तो जब ऊपर की तरफ होगा तो देखिए किस में है। अच्छा, ए में, ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ए में तीन आपके जो है अंदर, ये जो तीन है यहाँ पे, वन टू थ्री, थ्री कटिंग की गई है, यहाँ पे केवल दो कटिंग है, देखो यहाँ पे केवल दो कटिंग है, इसलिए ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर सी और डी में से कोई एक होगा। तो अब जरा देख लो कौन सा आंसर होगा, सी होगा कि डी होगा? तो अगर आप देखें तो देखो, इसका जो चेहरा है वो कहाँ है? इस कॉर्नर की तरफ।
जब आप इसको ऊपर की तरफ ओपन करेंगे तो ये वाला जो ये कॉर्नर ये कहाँ जाएगा ऊपर, ये कॉर्नर कहाँ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर देखो ये तो आपका गलत बना हुआ है, आंसर कौन सा होगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कैसे हमने किया? जब आप इसको ओपन करेंगे तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना, इसका वर्टेक्स इधर की तरफ जाना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि बी डी में जो है इसका वर्टेक्स कहाँ, नीचे की तरफ है, और इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप जो है जब आपके इसमें डायग्राम में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप किसी एक को लेकर के आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या आएगा। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। तो यहां पे देखिए P में आपको एक आकृति दी गई है, X, Y, Z में आपको उसको फोल्ड करने का तरीका बताया गया। जैसे यहां पे देखिए P में ये दिया गया, आप देखो यहां से इसको, जहां से डॉट डॉट लगा यहां से इसको फोल्ड कर दिया गया। जब फोल्ड कर दिया गया तो इस प्रकार से फोल्ड किया गया, इसके पूरे वाले पार्ट को नीचे ले आया गया। इसके बाद लास्ट में यहां से इसको फोल्ड किया गया और जेड में कुछ इस प्रकार से इसको यहां पर दो जगह कट कर दिया गया। एक बार और ध्यान दीजिएगा, जेड में यहां भी इसको ये सर्कल, सॉरी ये ट्रायंगल में फिर से एक बार फोल्ड कर दिया गया है। कितनी बार फोल्ड किया गया? तीन बार। कितनी बार फोल्ड किया गया? थ्री टाइम्स। देखो एक बार यहां पे पी में, एक्स में देखो फोल्ड कर दिया गया, फिर वाई में यहां से फोल्ड किया गया, और जेड में आपका ये ट्रायंगल में फोल्ड किया गया, और फिर यहां पे ये कट लगाए गए। देखो ये कट जो है कहां पे है, इसके नीचे वाली लाइन पे। ये कट कहां है, जो आपका ये जो बॉर्डर है बॉर्डर पे कट है, और ये कट कहां है, ये कट बीच में है। ठीक है ना, ये कट कहां है, ये कट बीच में है। तो अब जब इसको आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप सर्कल ही तो ओपन करें, सॉरी सर्कल कह रहे हैं, सबसे पहले आप ये ट्रायंगल ओपन करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल ओपन करेंगे तो एक बात क्लियर है कि जब आप इसको ओपन करेंगे इस प्रकार से, तो जो ये ट्रायंगल है, जो ये आपका ट्रायंगल जब ओपन हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर में यहां पे आपको कट दिखाई पड़ेगा, यहां पे आपको कट दिखाई पड़ेगा। ये कुछ डायग्राम आपको ऐसा दिखाई पड़ना चाहिए, यहां से आपको ये सीधा, और ये यहां पे कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, और फिर आपका ये जो है यहां पे ऐसा आएगा, कुछ ऐसा डायग्राम आपको देखो दिखाई पड़ना चाहिए यहां पे। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखो यहां पर अगर ए की बात करें, ठीक है ना, तो ए में तो ये आपका है ही नहीं, तो ए तो होगा नहीं। अब अगर हम बी की बात करें, तो आप अभी एक बार इसको और भी तो ओपन करोगे भाई, एक बार यहां पर भी तो कट है, यहां पर भी तो ये कट है, ठीक है ना। एक मिनट जरा रुकिएगा, ये जो है इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, यहां पे ऐसे, यहां पे, और ये कट यहां पे आएगा इस प्रकार से, फिर ये ऐसे आएगा, फिर यहां पे आपने कट पहले से बना रखा है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पे कट आपने पहले रखा है, ये आपका और भी आगे जाएगा, आगे यहां पर भी, ये भी अभी आपका ओपन होगा। तो पहले तो आप एक चीज समझिए कि इतनी चीज समझ में आई आपको कि यहां पर ये इस प्रकार से आकृति दिखाई पड़ेगी। अब अगर हम इसको लेके चलते हैं तो ए और डी ये दोनों खत्म हो गए, ए और डी ये दोनों खत्म हो गए, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब जरा हमें देखना है कि बी और सी में कौन सा होगा। तो आपने कहा कि जब देखो ये लाइन यहां से यहां तक है, जब ये एक बार अभी पूरा का पूरा ये ओपन होगा, क्योंकि एक बार जो हो ये पूरा का पूरा पार्ट इसके ऊपर है, और कट हमने यहां पे लगाया है, देखो कट हमने यहां पे लगाया है, तो जो ये दो कट है ना, ये नीचे की लाइन में दो कट दिखाई पड़ेंगे, सिंगल नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। और ये कॉर्नर में तो कट हमने लगाया ही नहीं, क्या इस किनारे पर कट दिखेगा, क्या इस किनारे पर कट दिखेगा आपके यहां, कहा नहीं, क्योंकि किनारे पर तो हमने कट लगाया ही नहीं। हमने कट कहां लगाया है, देखो बीच में लगाया है। तो जब बीच में लगाया है तो पहली बात तो इस लाइन में दो कट दिखेंगे, पहला, और ये कि यहां पर एक यहां पे दिखेगा, दूसरा जब पूरा का पूरा आप ओपन करेंगे तो दो कट कहां पे है, देखो बी में है, दो कट कहां पे है, देखो बी में है, एक और दो, यहां पर भी दो, यहां पर भी दो, और यहां पर भी दो। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो जब आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसको जब हम ओपन करेंगे कैसे आएगा,
तो आप किसी एक चीज को पकड़ के चलिए, अपने आप आपका आंसर क्लियर होगा। आप पूरे के पूरे डायग्राम को मत सोचिए कि पूरा पूरा डायग्राम हम एक बार में लेके चले, आप एक चीज को लेके चलिए, किसी एक डायग्राम को, अपने आप सारा आंसर आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं, चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेम्बल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब देखिए यहां पे यक्स में यहां से इसको फोल्ड कर दिया गया तो वाई बना, वाई से फिर हमने यहां से इसको फिर से ट्रायंगल में फोल्ड कर दिया तो हमारा जेड बन गया। अब आपने बाद में इसको यहां पे कट कर दिया, ठीक है ना, एक सर्कल कट किया और एक आपने ट्रायंगल कट कर दिया। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। एक चीज जरा देखिए, जब इसको यहां पे कट कर दिया गया तो ये वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट यानी ये पूरा का पूरा बराबर में कट नहीं किया गया, ये वाला पार्ट केवल यहां तक आएगा, ये वाला पार्ट केवल यहां तक आएगा। तो जब ये वाला पार्ट यहां तक आएगा तो आप एक चीज जरा देखिए भाई, इसको देखो, ये लाइन यहीं पर है तो ये लाइन सीधे यहां पर ऐसे आएगी ना, ये यहां पर जाके नहीं मिलेगा। तो जब इसको आपने यहां से कट कर दिया, जब इसको आप ओपन करेंगे तो आप मुझे बताएं कौन सा इसमें दिखाई पड़ेगा, ए बी सी और डी। तो आपने एक चीज देखा कि जब इसको हम ट्रायंगल को ओपन करेंगे तो ये कुछ हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा। अगर हम पहले केवल इस पार्ट की बात कर लें, केवल हम इस पार्ट की बात कर लें तो ये पार्ट कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। एक आपको जो है यहां पर ये तो सर्कल दिखाई पड़ेगा, एक सर्कल ऊपर आ जाएगा और ये ट्रायंगल यहीं का यहीं रहेगा। और जब पूरा का पूरा आप इसको ओपन करेंगे तो ये वाला ट्रायंगल इधर भी आएगा, ये वाला ट्रायंगल इधर भी आएगा। तो ये ट्रायंगल दो जगह दिखाई पड़ेगा, एक तो इधर और एक इधर, दो ही जगह ट्रायंगल आएगा। तो आपने कहा इस कंडीशन पे ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। और अब देखो अगर हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल इधर दो हैं, सर्कल इधर दो हैं, जब आप इसको ओपन करेंगे तो सर्कल इधर भी तो दो दिखाई पड़ेंगे। तो ऊपर चार सर्कल होंगे जो कि आपके ऑप्शन सी में दिए गए हैं, डी भी गलत, जो डी में केवल दो सर्कल है ऊपर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट इसके ऊपर है ना, इसे जब आप यहां से ओपन करेंगे तो पूरा ये यहां से ओपन होगा, लास्ट में, लास्ट में पूरा ये यहां से ओपन होगा। जब ये यहां से ओपन होगा तो ये भी साथ में आएगा। तो आंसर कौन सा बन जाएगा आपका, सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा, चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेम्बल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब आपको बताना है कि इसमें देखो, यक्स में सबसे पहले यहां ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को जो किनारा है, किनारे को फोल्ड कर दिया गया, कुछ ऐसी आकृति बनी। फिर वाई में इसको बीच से यहां से पूरा का पूरा फोल्ड कर दिया गया तो कुछ ऐसी आकृति बनी। अब आपने क्या किया, यहां पे तीन सर्कल कट कर दिए। अब आप मुझे बताइए कि इन चारों में कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है कि आपका डी सही है। कौन सा सही आंसर यहां पर होगा इन चारों में, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा, जल्दी से आंसर बताएं। तो अगर आप इसको यहां पर देखें तो देखो यहां पर जो है इसको केवल इतने पार्ट को फोल्ड किया गया। तो आप जब इसको ओपन करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं जो हमने लास्ट में फोल्ड किया है, तो अगर इसको आप ओपन करेंगे तो कुछ आपको ये ऐसा दिखाई देगा, देखो इस प्रकार से, फिर आपको कुछ ये ऐसा, ठीक है ना, फिर ये कुछ ऐसा पार्ट होगा, फिर ये इस प्रकार से होगा, फिर यहां पे इसको सही कर लेते हैं, ये पार्ट यहां से ऐसे नहीं, थोड़ा फिर दोबारा बनाते हैं इसको, दोबारा फिर से बना के देख लेते हैं भाई। ये कुछ जो है आपको, जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार से, फिर ये आपको ऐसे, फिर ये पार्ट ऐसे, फिर ये पार्ट इस प्रकार से, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये दोनों किनारे आपने ट्रायंगल में फोल्ड कर दिए हैं। देखो जब आपने इसको ओपन किया पूरा, जब आपने इसको ओपन किया तो ये सर्कल पूरे यहां से यहां तक, 1 2 3 1 2 3, ये पूरा के पूरे सर्कल यहां से यहां तक आए। अब एक चीज दिमाग से सोचिए, अब थोड़ा सा यहां पे आपको दिमाग लगा, थोड़ा सा लगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लगा दीजिए। देखिए जब आपने इस ट्रायंगल को फोल्ड किया, जब ट्रायंगल को फोल्ड किया तो क्या ट्रायंगल कहीं भी सर्कल के पार्ट में आ पाएगा?
जब आपने ट्रेंगल को फोल्ड किया तो ट्रेंगल कहीं भी क्या सर्कल के पार्ट में आएगा? जरा सोचिए दिमाग में। तो आपने कहा नहीं, सर्कल के पार्ट में कहीं नहीं ये आएगा। इसलिए जब आप ओपन करेंगे तो आपको जो है इधर और उधर कहीं भी सर्कल दिखाई नहीं देंगे। जब नहीं दिखाई देंगे तो यहां पे आंसर ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए तो इसी आधार पे गलत है, ठीक है ना। बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये यहीं तक आ पाएगा इस प्रकार से। ये ट्रायंगल इस प्रकार से फोल्डेड है ऐसे, ये ट्रायंगल आपका ऐसे फोल्डेड है, ठीक है ना। आप उसको बाकी समझ जाइएगा, मैं आपके समझने के लिए बनाए दे रहा हूं। इस प्रकार से फोल्डेड है तो यहां पे ऐसा फोल्डेड है, तो देखो कहीं भी सर्कल उसमें आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो जब आप इसको ओपन करके बनाएंगे तो ये आपको ऐसा ही दिखेगा जो आपको साफ दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो आपको इसमें दिख रहा है, डी में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? डी में दिख रहा है। बाकी कोई भी सही आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या आएगा। चूज द फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब आपको बताना है कि सबसे पहले देखो यक्ष में आपने इस प्रकार से इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है ना। यहां से इसको फोल्ड किया, यहां से इसको फोल्ड किया, यहां से इसको फोल्ड किया और एक आपका ट्रायंगल बन गया। फिर आपने उस ट्रायंगल को इस प्रकार से फोल्ड कर दिया, फिर उस ट्रायंगल को आपने इस प्रकार से फोल्ड कर दिया। और अब आपको बताना है कि जब जेड को हम ओपन करेंगे तो इनमें से कौन सा डायग्राम मुझे दिखाई पड़ेगा? ए दिखाई पड़ेगा, बी दिखाई पड़ेगा, सी दिखाई पड़ेगा कि डी दिखाई पड़ेगा? तो अगर आप एक छोटी सी बात को ध्यान दें, जब आप जेड को ओपन करेंगे, जब आप जेड को ओपन करेंगे और जब ये ट्रायंगल बनेगा, अंदर वाला ट्रायंगल, जब ये ट्रायंगल आपको ऐसे बनेगा, ठीक है ना। हमने इसको ओपन कर दिया, हमने इसको जो है जो अंदर का डायग्राम था इसको हमने ओपन कर दिया और ये जो है इस प्रकार से हमने इसको बना दिया। अब इसके अंदर जो डायग्राम बनेगा वो आपको दिख रहा कुछ ऐसा बनेगा, वो आपको दिख रहा है कुछ ऐसा बनेगा, देखिए इस प्रकार से बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब जब आप इसको एक बार ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जब एक बार इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये जो छोटा ट्रायंगल है ना, ये आपको ऊपर इस प्रकार से दिखाई देगा। जब आप जो है इसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ जाएगा ना, क्योंकि ट्रायंगल ऐसे जाएगा, तो एक बार ट्रायंगल ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसे जाएगा, एक बार ट्रायंगल नीचे की तरफ जाएगा तो ये आपको कहां दिखाई पड़ेगा, ये इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, और एक बार ट्रायंगल ऐसे आएगा तो ये आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये देखो आकृति किसमें दी गई। अब एक चीज देखें, अगर मैं केवल अंदर वाले ट्रायंगल को लेके चलूं तो अंदर वाले ट्रायंगल में आपका ए और बी तो वैसे भी गलत हो गया। अब जरा सी और डी में जरा चेक कर लो, सी और डी में देखो ये दोनों ऐसे हैं। अब जब आप इसको ओपन करेंगे ऊपर की तरफ तो ये जो आपका ट्रायंगल है इसका वर्टेक्स कहां होगा? ऊपर की तरफ होगा, जो कि आपको सी में दिया गया है, तो सी आपका सही आंसर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं या पूरा का पूरा आप डायग्राम अपने दिमाग में बना के कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या आएगा। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। इस एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब यहां पर देखिए यक्ष में पहले आपके जो है बताया गया कि इस प्रकार से फिगर को फोल्ड किया गया, फिर इसमें वाई में यहां से पूरे के पूरे फिगर को बी से फोल्ड कर दिया गया। पहले ट्रायंगल में फोल्ड किया गया है, बाद में बी से पूरा का पूरा इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया। अब आपको बताना कि जब जेड को ओपन करूंगा तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो अब एक चीज जरा सोचिए, अगर आप यहां पे देखें, आप इसको अगर ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये वाला पार्ट ओपन होगा। देखिए सबसे पहले ये वाला पार्ट ओपन होगा, सबसे पहले आपने इसको इस प्रकार से ओपन कर दिया, यहां पे, यहां पे, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, ठीक है, फिर आपका ये वाला पार्ट, ये पार्ट, फिर आपका ये पार्ट, फिर आपका जो है ये पार्ट, इस प्रकार से ओपन होगा। अब एक चीज जरा और समझ लीजिएगा, देखिए इन चीजों को यहां पे जो है यहीं पे इसको कट कर दिया गया है, इसको यहां पे कट कर दिया गया है,
ठीक है ना, इसको यहीं पर कट कर दिया गया है। और जब आप इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये ऐसा कुछ है ना, ये कुछ ऐसा है आपका, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा है आपका यहाँ पे, ऐसा इस प्रकार से है। जब आप इसको इस प्रकार से ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सर्कल ऐसे आएगा, यहाँ पे एक सर्कल ऐसे आएगा, और ये जो है इस प्रकार से आएगा ऐसा कुछ, ये जो है ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इसके अलावा नहीं, ऐसा नहीं आएगा, कुछ ऐसा बनेगा, गलत बना दिया हमने इसको, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए, ऐसा इस प्रकार से कुछ, ये इस प्रकार से होगा, थोड़ा सा ऐसे हल्का सा टेढ़ा होगा, ये हल्का सा टेढ़ा होगा, सही से बना देता ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे ये कुछ ऐसा होगा, ऐसे मान के चलिए, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब देखिए, जब आप इसको पूरा का पूरा ओपन करेंगे तो आप एक चीज सोचो, जब आपने फोल्ड किया था ना तो ये ट्रायंगल के साथ में थे, ये ट्रायंगल यहाँ पे था, मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों जो है ट्रायंगल के साथ में फोल्डेड है, ये दोनों ट्रायंगल के साथ में है। तो जब ट्रायंगल को भी आप ओपन करेंगे तो दो 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 सर्कल और बढ़ेंगे ना, जब दो दो सर्कल और बढ़ेंगे तो यहाँ पे ए तो आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। लेकिन ट्रायंगल नहीं बढ़ेगा, ट्रायंगल एक एक ही रहेगा, ट्रायंगल एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, केवल और केवल बी होगा, इसके अलावा कोई भी आपका सही आंसर नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है पेपर फोल्डिंग और कटिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या आएगा। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। तो आप मुझे बताएं कि जब देखो, सबसे पहले एक्स में इस प्रकार से फिगर को फोल्ड किया गया, वाई में यहां से फोल्ड किया गया, और लास्ट में इसको यहां से कट कर दिया गया। अब आप मुझे बताओ, जब मैं जेड को ओपन करूंगा तो इन चारों में कौन सी आकृति मुझे दिखाई पड़ेगी, पहली दिखाई पड़ेगी, दूसरी, तीसरी की, चौथी, ए बी सी डी में कौन सा मेरा सही आंसर होगा। तो अगर आप यहां पे देखें तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को ओपन करेंगे, और जब ट्रायंगल को ओपन करेंगे तो यहां पे आप एक चीज ये समझो कि यहां पे ये पहले आपको इस प्रकार से पूरा दिखाई पड़ेगा, यहां पे आपको ये पहले कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, यहां पे ये देखो, ये ट्रायंगल पूरा ऐसा, और जब आपने इसको ओपन कर दिया तो ये तो यहीं पर रहेगा, इसमें तो अभी कोई कुछ नहीं होगा, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो ये ट्रायंगल जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ना, इस प्रकार से जो आपका ऐसे था यहाँ पे जो है इस प्रकार से, ये ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, आप ये ट्रायंगल कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ये पार्ट ऊपर, वो पार्ट नीचे, ठीक है, जो जस्ट ये वो ऐसे ओपन होगा ना, तो ये पार्ट ऐसे दिखाई पड़ेगा। अब पूरा का पूरा ओपन करना है, अब ये पूरा का पूरा ओपन करना है तो जरा मुझे बताइए किस में ये आपका आएगा। तो यहां पे जरा देखें, अगर आप तो ए तो आंसर नहीं होगा, ए तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि अभी केवल दो, और ये दो नहीं आएंगे, ये भी और आएंगे। जब पूरा का पूरा ओपन होगा तो ये इस प्रकार से नहीं दिखाई पड़ेगा, दिमाग एकदम क्लियर बात रखिए। क्या यहां पे बी होगा, तो आपने कहा कि इसके साथ में एक जाएगा यहां पर, इसके साथ में एक जाएगा यहां पर, और इन दोनों के साथ में ये दो यहां पर होंगे, तो दो दो चार और दो छह होना चाहिए, दो दो चार दो छह। तो यहां पे देखो, इन दोनों के साथ में ये नहीं, तो ये भी आंसर, चूंकि ये दोनों साथ में रहेंगे ना, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। इसके बावजूद जब यहां पे आएगा तो यहां पे देखो आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी बिल्कुल सही होगा, सी आपका सही होगा, सी आपका सही आंसर होगा। जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, और ये देखो इस प्रकार दिखाई पड़ेगा, तो आंसर सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो जब भी किसी डायग्राम में आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, आप किसी डायग्राम में फंस रहे हो, तो किसी एक को लेकर के आप आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब आपको बताना है कि पी में देखो, आपको ये एक आकृति दी गई है, एक पेज दिया गया है, यहां से इसको फोल्ड किया गया डॉट डॉट में इस प्रकार से, तो देखो यहां से वाई बनी, अब फिर वाई में यहां से फोल्ड कर दिया गया,
इस प्रकार से जेड बना और जेड में यहां पर इसको कट कर दिया गया। अब आपको बताना है कि इन चारों में ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि अब देखो इसको किस प्रकार से कट किया गया है, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो सबसे पहले जब आपने इसको सबसे लास्ट में यहाँ पे फोल्ड किया था वाई में, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इसको ओपन किया इस प्रकार से। तो जब आप उन्हें ओपन किया तो देखो एक पार्ट तो आपको ये ऐसे दिखाई पड़ेगा और एक पार्ट आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसी आकृति एक बार फोल्ड करने पे दिखाई पड़ेगी। और जब पूरा का पूरा आप इसको ओपन कर देंगे, तो देखो एक तो ये आपको नीचे दिखाई पड़ेगा एक। अब देखो ये कहां दिखाई पड़ेगा, क्या ये बीच में आएगा? नहीं, ये किनारे पे आएगा, किधर? लेफ्ट कॉर्नर पे। तो यहां पे ऐसे, इस प्रकार से ऐसे, और यहां पर भी ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। कि जो किस में दिया गया, जो आपके ए में दिया गया, ए में दिया गया है, तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप पेपर फोल्डिंग और कटिंग के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज के वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।